सियासी पारा हर किसी के सर पर चढ़ करके बोल रहा है, और खासकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने तो जैसे मोदी सरकार की नींव ही हिला दी है। नमस्कार। एक समय था जब बसपा और सपा में भारी मतभेद थे। ऐसा लगता था कि ये दोनों कभी मंच साझा नहीं कर सकते। स्थिति यहां तक थी कि कभी सपा और बसपा के वरिष्ठ नेता साथ नहीं दिखते थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। अखिलेश यादव ने बसपा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उतनी ही शालीनता से बसपा ने उस हाथ को मिला लिया। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा गठबंधन हो जाने के बाद से ही जमकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। तो भैया जान लीजिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। ऐसे में ये देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भाजपा को हराने के लिए सपा और बसपा के साथ आरएलडी भी शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि आरएलडी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की 6 सीटें दी जाएंगी। इन सीटों पर पहले से ही आरएलडी मजबूत रही है। खबरें ये भी हैं कि बसपा और सपा के कुछ नेता आरएलडी के लिए 4 सीटें ही देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्योंकि गठबंधन का पार्ट नहीं है, इसलिए आरएलडी को 6 सीटें मिलने की प्रबल संभावना है। हमने कुछ क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ की और जानकारी से जानने की कोशिश की, अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो राज्य में क्या स्थिति रहेगी। अधिकतर लोगों का मानना है कि सपा और बसपा का साथ आ जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा के लिए 10 जीत पाना भी मुश्किल हो जाएगा। सपा और बसपा के समर्थक इस गठबंधन से बहुत उत्साहित हो चले हैं और दावा कर रहे हैं कि भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 36 सीटों पर सपा और बसपा के लड़ने की खबर आ रही है, जबकि 6 पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर कोई प्रत्याशी नहीं होगा। ये सीटें रायबरेली और अमेठी की हैं, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। जानकार मानते हैं कि अगर सीटों का बंटवारा सही तरह से हुआ और उम्मीदवार ठीक चुने गए तो सपा बसपा आरएलडी के इस महागठबंधन को हरा पाना भाजपा के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चुनावी विश्लेषक मान रहे हैं कि इस आरएलडी को भी फायदा होगा और वो इस बार अपनी पोजीशन पहले से मजबूत कर पाएगी। वहीं कांग्रेस भले ही अपने दम पर सीटों अधिक ना जीत सके, लेकिन भाजपा की हार से कांग्रेस को अप्रत्यक्ष फायदा होगा। अब रफ फिगर को समझते हैं तो जानकार मान रहे हैं कि सपा बसपा आरएलडी 65-70 सीट तक जीत सकते हैं, जबकि कांग्रेस भी 4-6 सीट जीत सकेगी। भाजपा के लिए यहां दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा है। 4-8 सीटें भाजपा को मिल सकती है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, इस बार वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे। सपा ने तो ये भी कह दिया कि मोदी को उत्तर प्रदेश की जगह कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, परंतु इस पर भी खटास कम नहीं हुई थी। भरोसा उतना नहीं हो पा रहा था जितना के गठबंधन बनने के लिए जरूरी होता है। बसपा और सपा के बीच ये मुस्लिम नेता सूत्रधार बना है, जिसने कर्नाटक में मोदी की नींव हिला दी और भाजपा की जड़ें हिला करके रख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेता कौन है। ये नेता ना तो सपा का है और ना ही बसपा का है। इस गठबंधन के पीछे छुपे हैं जेडीएस के वरिष्ठ नेता दानिश अली, जिनकी वजह से ये गठबंधन मुमकिन हो पाया है। बताया जाता है कि उन्होंने इसको लेकर दोनों दलों को मनाया और कोशिश की कि दोनों मंच पर आए। ऐसा हुआ भी जब कर्नाटक चुनाव के बाद राज्य में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो दोनों दलों के नेता ने मंच एक साथ साझा किया। जेडीएस जो कि दक्षिण के राज्य कर्नाटक तक सीमित है, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत की दो बड़ी पार्टियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था।
हालांकि इसके पीछे बड़ी बात भाजपा विरोध है, लेकिन दानिश की कोशिश और लगातार चली बैठकों के बाद से ही ये साफ हो सका है। जेडीएस के दूसरे बड़े नेता भी भाजपा को हराने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सपा और बसपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े ताकि भाजपा को हराया जा सके। एक समय मायावती सपा का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है। 2014 जैसी स्थिति अब वहां नहीं है। देखा जाए तो अब दानिश अली पिक्चर से गायब नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती अखिलेश का गठबंधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और देश के वासियों के लिए एक अच्छी खबर लेकर क्या है। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी पूरी हो गई है। दोनों ने इस मजबूती से गठबंधन का दामन पकड़ा है कि भाजपा नेता परेशान है, दूसरी ओर कांग्रेस कोशिश में है किसी तरह वो इसमें शामिल हो जाए। सपा बसपा के अलावा इसमें आरएलडी भी है। आरएलडी लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर प्रभावी है, बाकी सीटों पर बात सपा और बसपा के बीच है। ऐसे में सपा बसपा आरएलडी की ये जुगलबंदी भाजपा को काफी भारी पड़ सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर इस गठबंधन को कामयाबी मिलती है तो दानिश को भी इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। तो आप लोगों ने जाना कि 2019 के सूत्रधार साबित होने वाले हैं जेडीएस के दानिश अली खान, जिन्होंने कर्नाटक में भी ऐसा ही रुख अपनाया और भारतीय जनता पार्टी को चकित कर दिया कि आखिरकार आप जो प्रोपेगेंडा लेकर के इस देश की हर क्षेत्रों में अपनी जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं वो आखिरकार खत्म होने वाला है। अब आप लोगों के शासन की नींव कर्नाटक से हो चुकी है और इसको लेकर के दानिश अली खान और कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद ने इसकी शुरुआत कर दी है। कर्नाटक की राजनीति में हमने देखा था कि ये दोनों मुस्लिम नेता अपने आप को एक दूसरे से बांधे हुए थे और दोनों पार्टी के बड़े दिग्गज नेता एक साथ आने पर मजबूर हो गए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नींव इस कदर हिली कि कर्नाटक से वो अब पूरी तरीके से हताश हो चुकी है और अब लोकसभा कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचने लगी है। जो फॉर्मूला कर्नाटक से शुरू हुआ दानिश अली खान का कि क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन करे, अब उसी राह पर हर कोई चल पड़ा है। और जो इसमें कर्नाटक की राजनीति में बात की जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी अहम रोल देखने को मिला है, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में चुनाव से पहले तक कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की कोई सूचना लोगों को नहीं मिली थी और उससे पहले जेडीएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हुआ था और असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया था कि वो कर्नाटक में एक भी उम्मीदवार अपना नहीं उतारेंगे, पर वो जेडीएस को समर्थन देंगे और समर्थन में जेडीएस के कई नेताओं के पार्टी के प्रचार प्रसार में वो मौजूद दिखे। और जब वहां के रिजल्ट हम लोगों के सामने आए तो वहां हर कोई हैरान रह गया। किंग मेकर जिसको सबसे ज्यादा कम सीटें मिली थी वो वहां पर किंग मेकर बनकर के उभरी और कर्नाटक की किंग बन गई। और इस किंग मेकर को बनाने में कुमारस्वामी को कर्नाटक का किंग मेकर बनाने में अगर किसी का हाथ सबसे ज्यादा जाता है तो वो है दानिश अली खान, जो कि अहम रोल अदा कर रहे हैं और उसी फॉर्मूले के हिसाब से हर क्षेत्रीय पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने पर लगे हुए हैं। जब कर्नाटक में हमने देखा कि जब सारी तमाम बड़ी पार्टियों के नेता एक मंच पर मौजूद थे तो भारतीय जनता पार्टी में तो इसकी खलबली मची ही हुई थी और उस पर सबसे ज्यादा हताश और परेशान थी हमारी गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के कुछ चेहरे उस टाइम सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हुए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के हारने से उनका सब कुछ खो गया है और अब वो वापस कभी नहीं आ सकते। जब उन लोगों की एंकरिंग पर हम लोगों ने अपनी रिपोर्टें देना करी तो हर कोई आकर के
उन लोगों के चेहरे को समझने और पढ़ने लगा और जानने लगा कि आखिरकार खबरों के साथ खिलवाड़ करना हमारी गोदी मीडिया, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम से जानते हैं, वो आखिरकार दुर्मिल होती चली गई है। वो 2014 के बाद से कहीं खो सी गई है। तो ऐसी ही तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। और आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।